एक मैं जनरल बात कहूंगी कि हम अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के ऊपर डाल देते हैं एक दफा आपके पास लोग आए और आपने अच्छा दिया वो सेकंड टाइम नहीं अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ तो वो छोटी सी मिस्टेक भी कभी सीरियस हो जाती है कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं ये ऑनरशिप में आ जाती है कोई आपके साथ किसी की कोई चीज शेयर कर रहा है तो याद रखो कि वो भी आगे किसी के साथ शेयर कर रहा है हमारी जो पर्सनली ट्रेड्स हैं हमसे ज्यादा हमारे सराउंडिंग में लोग जानते हैं आपको एक तो जो आपके मैनेजर्स हैं दे मस्ट नो हाउ टू बिल्ड द टीम सो आज का बेसिकली टॉपिक जो है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बट आई हैव इन माइंड कि जो आपका एरिया है मैं उसको जहन में रखते हुए हम इस चीज़ को आगे लेकर चलें कि हाउ दिस पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट हेल्प्स इन योर डोमेन और विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यू हैव द मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन विद द पीपल आपका सारा दिन यही काम है ठीक है सो आपकी ये जो डेवलपमेंट है किस तरह से आपके जो बिज़नेस है उसको ग्रो कर सकती है क्यों ज़रूरी है और आपकी पर्सनल ग्रोथ इसमें कितना मैटर करती है सबसे ज़्यादा तो आपकी पर्सनैलिटी है आपकी अपनी ग्रोथ है आपका अपना माइंड है आपकी अपनी लुक्स हैं अगर आप उस पर ही काम नहीं करते और आप समझते हैं कि वी हैव गॉट द जॉब एंड दैट इट इज इनफ अब हम पैसा कमाते रहे और आगे चलते रहे तो यकीन जाने की इट वुड बी ट्रेगनेंट आप वहीं बैठे रहेंगे सारी उम्र ठीक है हो सकता है उधर भी बहुत अरसा काम ना कर सकें क्योंकि आपने चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया आपने सीखा नहीं आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर काम नहीं किया राइट हाउ पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट कंट्रीब्यूट टू द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ

टली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एंड डिवेलपमेंट बहुत आर डिफरेंट थिंग्स ग्रूमिंग ज्यादा तो, yes. yes. exactly. पर, तो अक्सर पर्सनल आ जाती है की आप कैसे दिख रहे हैं किस तरह से आप ग्रूम कर रहे हैं अपने आपको बहुत से लोग कहते हैं उसने अपने आपको बहुत ग्रूम किया राइट right? एक डेवलपमेंट होती है कि आप ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं अपने माइंडसेट को लेकर अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर आपका कम्यूनिकेशन को लेकर आपके फेस एक्सप्रेशंस को लेकर इन तमाम चीजों के ऊपर आपकी वेलबींग well ठीक है आपके इमोशंस इन ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं कि हमारे इमोशंस क्या होते हैं क्योंकि एट द वर्क प्लेस सम टाइम वी हैव डिफरेंट फीलिंग्स एंगर हो सकता है अग्रेसिव हो सकते हैं हैप्पी हो सकते हैं सैड हो सकते हैं उसका इंपेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे तो आता है उसके साथ साथ जो हमारे सराउंडिंग में है और जो हमारे से इंटरेक्ट करें उस उन पर ज्यादा पड़ता है एंड दैट वी हैव एक्सपीरियंसड ठीक है बींग कस्टमर आई हैव एक्सपीरियंस सच थिंग्स अ लॉट और हमने यही कहा जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं अगर डॉक्टर आपसे दो वर्ड बहुत खूबसूरत तरीके से बात करते हैं तो यू फील फाइन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू आर फीलिंग बेटर लेकिन अगर वही आपको रूडली जवाब दे और आपसे इंटरेक्ट ना करे तो आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है तो सेम लेवल इज एट योर प्लेस के जब लोग आपके पास आते हैं बेशक वो अपनी ग्रूमिंग तो उनका कहीं ना कहीं माइंड वो अपने आप को रिलैक्स ही करने आते हैं जब आप अपनी मेक ओवर कराने आते हैं आप कटिंग करवाने जाते हैं तो बेसिकली मकसद क्या होता है कस्टमर का अपने आप को सेटिस्फाई करना और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उसके एक्सपर्ट उसके एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतर पा रहे हैं तो दोनों तरफ से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं ठीक है सो बेसिकली पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग एंड इम्प्रूविंग वन पर्सनल क्वालिटीज बिहेवियर्स एंड ओवरऑल करेक्टर एक तो इसके ये जर्नल हम एक को समझने की कोशिश करते हैं कि आपके अपने पर्सनल क्वालिटीज क्या हैं व्हाट इज योर टायर आपके अपने ट्रेड्स क्या हैं देन आपका अपना बिहेवियर क्या है विद योर सेल्फ विद योर जो आपके साथ वर्कर्स हैं आपके कलीग्स हैं एंड देन योर कस्टमर्स एंड ओवरऑल करेक्टर ठीक है आपका अपना करेक्टर क्या है आप कैसे क्या हैं आप ये खुद को जज करना इट इन्वॉल्व कल्टीवेटिंग ट्रेड्स अब ट्रेड्स क्या होते हैं वॉट आर द ट्रेड्स एनी आइडिया हमारी पर्सनैलिटी के डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं पैशनेट हैं एम्बिशियस हैं राइट right? आप आ, आ, बहुत चीजों को सोचते हैं एग्रेसिव हैं या इस टाइप के जितने भी आपके अपने ट्रेड्स हैं ठीक है वो मैटर करते हैं कहाँ पे मैटर करते हैं डेट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड प्रोफेशनल सक्सेस आप एम्बिशियस हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहेंगे अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग नेगेटिव की तरफ जा रही है या पॉजिटिव की साइड पर जा रही है हमारे एक अपना स्टाइल होता है काम करने का बात करने का हम पंक्चुअल होते हैं हम रेगुलर होते हैं जो लोग पंक्चुअल होते हैं वो जरा सा भी लेट होते हैं तो क्या होता है थोड़े से पैनिक हो जाते हैं कि मुझे आई हैव टू बी ऑन टाइम कुछ लोग इस चीज़ की परवाही नहीं करते कहते लेट हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है पहुंच तो जाएंगे ना एंड आई हैव सीन सच पीपल अ लॉट कोई बात नहीं अभी बहुत टाइम है टाइम है है वी हैव टू बी देयर तभी तो हर, तो हर चीज लेट स्टार्ट होती है। नौ बजे का टाइम है और आए साढ़े नौ बजे तो ये चीज आप देख लें कि हम अगर प्रोफेशनली काम करें तो प्रोफेशनलिज्म यही है कि सबसे पहले आपकी चीजें स्टार्ट ही टाइम मैनेजमेंट से होती हैं टाइम वक्त तो किसी के लिए रुकना नहीं ठीक है आप रोक नहीं सकते कि थोड़ी देर रुक जाओ मैं भी रेडी हो रहा हूं आप इस चीज को अगर मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर आगे चीजें भी मैनेज नहीं होंगी वो ठी होती चली जाती है और फिर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है राइट और राइट नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर केयर क्योंकि पहले इस चीज को सीखें टाइम को लाइक माई टाइम वॉज इफ नाइन ओ क्लॉक आई वॉज हेयर एट एट फोर्टी फाइव फिफ्टीन मिनट बिफोर टाइम कि मुझे नहीं था कि मुझे लोग मेरा इंतजार करें लेकिन ये जरूरी नहीं कि लोग इंतजार ये मेरा अपना ट्रेड है कि आई हैव टू बी इन टाइम सो मेरा सारा जो स्केड्यूल है वो मेरे टाइम के साथ ही चल रहा है ठीक है सो इस चीज को आप जो प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम को अहमियत देना शुरू करें टाइम पे काम करें आगे कठा ना करें कि अच्छा वी हैव टाइम एक दिन है दो दिन है तो मैं उसके बाद कर लूंगा नो no. अगर आप पर्टिकुलर हैं अपने करियर को लेकर अपने प्रोफेशन को लेकर थोड़ा सा सीरियस हैं तो सबसे पहले जो आपकी चीज स्टार्ट होगी वो है ही टाइम मैनेजमेंट और राइट इंपॉर्टेंट नो कस्टमर केयर क्योंकि आप हर वक्त हम कस्टमर के इन सेंस लेंगे कि आपका कस्टमर के साथ जो डीलिंग है उसका क्या इंपैक्ट है कहां कहां चीजें क्या ग्रो कर रही हैं बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट राइट इंपॉर्टेंस कस्टमर केयर आपका जो पर्सनैलिटी है जो इसका इंपैक्ट आ रहा है वो क्या कर रहा है ट्रस्ट कायम कर रहा है आपके कस्टमर के ऊपर ठीक है लॉयल्टी शो करता है कि यू आर सीरियस अबाउट सच थिंग्स आप उनकी उन, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप क्या करते हैं उनका ट्रस्ट गेन करते हैं और एक दफा आपके कस्टमर का ट्रस्ट गेन हो जाए आपके ऊपर तो आपकी तरफ से कभी कोई मिस्टेक भी हो जाए तो इतना ट्रस्ट होता है कि उस चीज को थोड़ा सा लेट गो कर देता तो है को, कोई बात नहीं हो गया रोज नहीं होता कभी कभार ऐसी चीजें होती है, तो इट इज ओके लेकिन अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ तो वो छोटी सी मिस्टेक भी कभी सीरियस हो जाती है जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर नहीं सही से डील कर रहे तो आई वॉन्ट गो देर अगेन मैं नहीं जाऊंगी दोबारा बहुत कंपटीशन है ये चीज याद रखिएगा

इसमें जैसे उन्होंने बात की कि एम्पेथी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड एंड इमोशंस कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके आज के दिन के इमोशंस क्या हैं क्योंकि समटाइम आपकी डिस्कशन चल रही होती है जब आपकी कटिंग आप कर रहे होते हैं तो आप साथ साथ उनसे सब बात भी कर रहे होते हैं बहुत से लोगों की दोस्ती हो जाती है जैसे उन्होंने कहा कि एवरी टाइम फिर हम जाते तो हमने उसका नाम लेते हैं कि जो वो किधर है क्योंकि उसके साथ वी वर फीलिंग रिलैक्सड रिलैक्स भी हो गए और जैसे इन्होंने भी कहा और येस इट हैपन्स कि उसका बिहेवियर अच्छा था यानी कि आप अपने आप को जो एम्पीथी एक होती है sympathy, कि आपको किसी के साथ हमदर्दी होती है दैट्स इट होती है कि आप अपने आप को उसकी जगह पर रखकर फील कर रहे होते हैं ठीक है किसी चीज को फील करना तो जो कस्टमर की क्या नीड है वो किस मूड के साथ आए उसके इमोशंस क्या थे उस दिन उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि वो आप क्या चाहते हो आपके सिर्फ ये जो टोन होती है ना आवाज की हमारी टोन ही मैटर करती है सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं लोगों के साथ राइट फिर रिस्पॉन्सिवनेस क्या है एड्रेसिंग कस्टमर इंक्वायरीज एंड कंसर्न प्रॉम्प्टली कोई आया है आपसे इंफॉर्मेशन ही लेने आए आप फौरन उसको रिप्लाई करें वो चाहता क्या है ठीक है एक दफा आपके पास लोग आए और आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया वो सेकेंड टाइम नहीं आएगा बेशक उस दिन वो सिर्फ आप क्योंकि क्यों हो सकता है आपने नया खोला cool आउटलेट लोग से पता ही करने आ रहे हो अच्छा जी बाहर से तो अच्छा लग रहा है अंदर जाके चेक करते हैं कैसा है अब अंदर गए थिंग्स आओ जरा इसको बताना तो वो क्या होगा फॉरगेट इट आई है थैंक यू और मैं, मैं चली गई बाहर समटाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप दस लोगों का वेट करेंगे जो राइट right पर्सन तक जाने के लिए दस लोगों से गुजर के जाना पड़ रहा है कि जी वो बताएगा वो बताएगा वो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे देगा ओवरऑल यू मस्ट हैव के सामने कोई भी आए वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दे हमें हर चीज से एक अवेयर होना चाहिए नहीं के सिर्फ एक ही बंदे को ये बात पता और बीस लोग उसकी तरफ इंडिकेट करें कि जी वहां चले जाओ राइट right? फिर उसके बाद आ जाए अटेंशन टू डिटेल्स नोटिसिंग एड्रेसिंग स्पेसिफिक कस्टमर प्रेफरेंस एक एक चीज को नोटिस करना कि उसकी एक्चुअली कि अटेंशन टू डिटेल्स कि वो चाह क्या रहा है फॉर एग्जाम्पल आपके पास कटिंग आई है आई हैव सीन मैनी टाइम्स वो लड़के ही बाहर गया सम टाइम मैंने तुम्हें ये तो नहीं हेयर स्टाइल कहा था मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था करने को तुमने ये क्या कर दिया क्योंकि आपने नोटिस नहीं किया आपने सिर्फ उसकी ऊपर की जनरल बातें सुनी कि मुझे ये ये कट चाहिए थोड़ा डिटेल्स से जानो थोड़ा नोटिस को सो कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है आप उसको एक अच्छी एडवाइस भी दे सकते हो कि आप इससे बेहतर चीज़ें कर सकते हैं So, ये एक आपका की एलिमेंट है वो एक्सिलेंट कस्टमर केयर कि आप कैसे जो आपके पास लोग आ रहे हैं आप उनकी केयर कर रहे हैं राइट टेकिंग द ऑनरशिप ऑनरशिप का पता है? किसी चीज को ऑन करना ठीक है अगर आप ऑनरशिप नहीं लेते हैं किसी चीज की और आप हर चीज को फोरग्रांटेड लेते हैं तो इसमें मेस है ठीक है आप जहां पर होते हैं उसकी ऑनरशिप लेना ये नहीं कि बिल्डिंग अपने नाम करा ले <laughs> इसकी बात नहीं हो रही राइट right? डेफिनेशन ऑफ ऑनरशिप इंपावरिंग एम्प्लॉइज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रोल्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस ना ये अब आपके ऊपर स्पेसिफिकली आपके ऊपर बात हो रही ठीक है कि आप इंपावर इंप्लॉयॉज को कितना एम्पावर करते हैं कि वो अपनी जो उनका रोल दिया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें ठीक है इस चीज इस पॉइंट को भी आप लोगों को भी समझने की जरूरत है कि हम इस किस सेंस में बात कर रहे हैं किसा हो सकता है बेनिफिट ऑफ ऑनरशिप ऑनर इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन जब आप किसी को ऑनरशिप देते हैं आप इसको किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और आप उसका रोल बताते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको एक तो अपने आप का फील होता है कि यस मैं भी एक एम्प्लॉय हूं यहाँ का जिसको प्रायोरिटी दी जा रही है और अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है कि उसकी चीजों का ख्याल भी रखना चाह तो क्या होता है आपकी जो इनका इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता है ठीक है कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुझे प्रायोरिटी दी जा रही है मेरे काम को आगे अप्रिशिएट किया जा रहा है एनहेंस टीम एंड डायनेलेबोरेशन अब कलेबोरेशन किस चीज में हो सकती है दो कलेबोरेशन के दो मीनिंग्स होते हैं कलेबोरेट करना दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है कि जो एक इश्यू आ रहा है या जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से हम रिजॉल्व कर रहे हैं हम एक मैं जनरल बात कहूंगी कि हम अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के ऊपर डाल देते हैं आपका जब सक्सेस होती है तो पूरी टीम की सक्सेस है लेकिन अगर लॉस होता तो वो भी पूरी टीम का लॉस है ये चीज़ याद रखिएगा वो आपका भी लॉस है आप ये मत सोचें कि अच्छा जी लॉस ऊपर के किसी लोगों को हो रहा है ना कामयाबी में जब आप अपने आप को हिस्सेदार मानते हैं कि हमारी वजह से चीज़ें आगे बढ़ रही है तो इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अगर चीज आगे नहीं बढ़ी तो फेलियर्स भी हमारी वजह से हो रहे हैं कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं ये ऑनरशिप में आ जाती है ठीक है कि आप सक्सेस एंड फेलियर्स को ऑन करते हैं और उसको फेस करते हैं ठीक है स्ट्रेटजीज फॉर कल्टीवेटिंग ऑनरशिप इनक्रेज इनिशिए इन प्रॉब्लम सोल्विंग अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आते हैं तो अक्सर ऊपर के मैनेजर वही सॉल्व कर रहे होते हैं यू नीड टू इंक्लूड एवरी वन लेट्स कम एंड टॉक टूगेदर कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उससे क्या होता है कि अगले को भी पता चलता है जो आपके इंप्लाइज हैं कि हमें प्रायोरिटी दी जा रही है और हमसे भी सोल्यूशंस मांगे जा रहे हैं ठीक है सोल्यूशंस में क्योंकि हम अक्सर सिर्फ बातें सुना देते हैं अक्सर तुमने नहीं किया तुमने ऐसे नहीं किया ऐसे नहीं किया हो तो गया वट इज दोल्यूशन नाउ सो वी नीड टू सिट टूगेदर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और उसमें यू हैव टू इंक्लूड एवरी वन सॉरी एग्जैक्टली हर चीज आप देखिए बेनिफिट ही है ना इसका कहीं पर लॉस नहीं हो रहा आप यहां पर एज अ टीम आए आई डों इंडिविजुअली मुझे पता है कि जी आप एज ए टीम कहां से आए सो यू आर अ टीम टीम बिल्डिंग है एक दूसरे पर ट्रस्ट है दैट्स वाई यूर हेर ठीक है अगर ट्रस्ट नहीं होता इंटरेस्ट नहीं होता तो शायद आधी ऑडियंस ना होती आज तो यू आर हेयर वाई यू हेयर टूडे टू लर्न समथिंग टू गेन समथिंग आपके अंदर एक वो पैशन है कि जी हमने आगे ग्रो करना है दैट्स वाई यू हेयर तो ये भी एक सोल्यूशन है वन ऑफ योर प्रॉब्लम कि आपको वो यहां लेकर आए हैं राइट तो ये जो ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जो वर्कशॉप होती हैं हमने सारी में बहुत ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप ली हैं उसने बेशक रिपीट होती रही चीजें बार हमें वैसी वर्कशॉप दोबारा मिली लेकिन उसका बेनिफिट क्या हुआ हर दफ़ा रिफ्रेश हो जाता था माइंड मोटिवेशन दोबारा मिल जाती थी और उनसे वी हैव लर्न लॉट। हो सकता है Previously, हमने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए नेक्स्ट टाइम रिकॉल हो गए रिफ्रेश हो गए सो so, ये जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती हैं अगर आपके एडमिन मैनेजर्स ये चीज़ सोच रहे हैं तो इट्स मीन दे आर सीरियस अबाउट यू वो आपकी ग्रोथ के लिए काम करें अपने लिए उनका तो ग्रोथ है ही और वो ग्रोथ सिर्फ आप लोगों की वजह से है तो अगर आप ट्रेनड होंगे तो चीज ग्रो करेगी दोनों तरफ से ठीक है ऑल राइट रेकग्नाइज वैल्यूज इंप्लाई एम्प्लॉयज शुड अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ आइटम दे यूज वेदर इट्स इक्विपमेंट सप्लाइज टूल्स अक्सर हम लोग क्योंकि हम बहुत सी चीजों को फ्रोग्रांटेड तो वैल्यू नहीं करते हमारी नहीं है तो टूट जाए गिर जाए पड़ी रहे वी डोंट वैल्यू कभी आप रियलाइज करें इस चीज़ को कि घर में आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपने वो खुद खरीदी होती हमने उस पैसे स्पेंड किए होते हैं तो हम बड़े आराम से कब्ट पे रखेंगे एक ही चीज़ को साल भी चला लेते हैं क्योंकि हमने इस पर पैसा स्पेंड किया बट लेकिन हम वर्क प्लेस पर होते हैं तो वी डोंट वैल्यू थिंग्स उसमें आपके कपड़े भी हो सकते हैं उसके आपके शूज़ भी हो सकते हैं जो आपको मिले थे उसके अंदर टूल्स भी होते हैं जो आपको मिले थे तो हम उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या हम उनकी कितनी केयर कर रहे हैं दैट मैटर्स दैट द वैल्यू यू आर गिविंग और वो वैल्यू आप उस प्रोफेशन को भी दे रहे हैं उसकी ऑनरशिप ले रहे हैं कि ये टूल्स मेरे हैं मैंने इसको इसकी जगह पर रखने हैं प्रॉपर रखने हैं वो टूटे ना क्योंकि टूटने से आपकी जेब से तब भी नहीं पैसे जाएंगे तो इसलिए ज्यादा दुख भी नहीं होता गिर गया तो कोई बात नहीं चल नहीं रहा जल गया तो कोई बात नहीं क्योंकि आपके हर वक्त चीज़ यूज में है 24 फोर आवर्स एक ने रखा दूसरे ने उठा लिया तीसरे ने रखा चीज़ गुम हो गई ढूंढ रहे हैं कहाँ गया अक्सर मैंने कुछ चीज़ों की हालतें बहुत बुरी देखी हैं हमारे घरों में ऐसे ड्रायर्स की ऐसे ब्रश की हालतें नहीं होती जो सलोन्स में होती हैं क्यों क्योंकि आप अपने पर्सनल यूज़ नहीं कर रहे और मेहनल में अगर आप अपने पर यूज़ करें तो कभी वो ब्रश यूज़ नहीं करेंगे जो कस्टमर के लिए, लिए यूज़ कर रहे होते तो उसकी ऑनरशिप लें मुझे चीज़ों को साफ़ भी रखना है मुझे उनको प्रॉपर वे में भी रखना है इसका मतलब है आप वैल्यू कर रहे हैं चीजों को वैल्यू दे रहे देते ब्रेक कम यस आए मुझे <laughs> देखिएिटी हर चीज में ऑनेस्टी हर चीज में है पैशनेट अगर आप नहीं है पैशन कोई भी काम करे अगर आपके काम में पैशन नहीं है तो वो फिर हाल ही काम रह जाता है पैसा कमाने वाली मशीन बाजा हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे होते अपने पैशन के लिए काम कर रहे होते तो क्या ये प्रोफेशन आपका पैशन है या आपको जॉब मिल गई तो आप कर रहे हैं अगर मिल गई है तो फिर उसको ऑन कर लें फिर उसको अपना पैशन बना लें नहीं तो छोड़ दें मैं अक्सर ये कहती हूं कि जो काम आप जिससे रेजिनेट नहीं करते जिस काम को आपको काम करने में मजा नहीं आता उस काम को छोड़ देना बेहतर है क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं आप भी खुश नहीं और आपके साथ रहने वाले भी खुश नहीं ठीक है जर्नल पर्सनल प्रेजेंटेशन किया है बी क्लीन एंड टाइडी क्योंकि आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ है और इट इज वेरी क्लोज आप लोगों के बहुत करीब होते हैं ठीक है लेडीज सेलोन में और मेन सेलोन में कटिंग हो रही है शेव हो रही है बहुत सी चीजें चल रही होती तो आपके अपने पर्सनल हाइजीन कितने अच्छे हैं क्या ही स्मेल तो नहीं आ रही आपके पास से क्योंकि आपने बात भी करनी है पास आई हैव सीन सच थिंग्स मेनी टाइम और उस वक्त हमारे अंदर थी कट होती कि हम अगले को नहीं कह सकते कि थोड़ा डिस्टेंस रख लो सो वी हैव टू बेयर इट हम बाज दफा चीज को बर्दाश्त करना पड़ता है आपके जो कपड़े हैं उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही नीट एंड टाइडी है वॉशेबल है आप खुद फ्रेश हैं आपकी अपनी लुक खराब हो और आप लोगों को संवारने का काम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका अपना है क्या है सो so, इनकी जो शुरू की बात किया अक्सर दो लोगों को आके ही या तीन लोगों को आके लोगों का नाम लेके क्योंकि उससे हाल ही ये नहीं होता कि काम अच्छा हो तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अगले से

आपने बाहर देखे लोग पहले अपने स्टाइल बनाए उनके हेयर स्टाइल्स बने होते हैं आई हैव है दस का दस का हेयर स्टाइल डिफरेंट था तो उन्हीं को देख के मजा आ रहा था कि यार ये वाला हेयर स्टाइल आई नीड इट आप खुद तो पहले एग्जाम्पल बन जाओ फ्रेश लगो आपके अपने बाल अच्छे बने हुए हों आपके पास एक अच्छी खुशबू आ रही हो आप नीट एंड क्लीन नजर आ रहे हो कि कोई आपके पास से गुजरे या आप जिसके पास काम करें वो खराब फील ना करें तो सुबह सबसे पहले तो अपने आप को शीशे में आकर चेक करो कि आई एम लुकिंग गुड मैं ठीक लग रहा हूं हेड टू टो आपके पास अच्छे वी डोंट से कोई ब्रांडेड चीज़ें ही होनी चाहिए हमारी लोकल बड़े अच्छे अपने भी चीज़ें मिल रही हैं अब उसको यूज़ करो आप डिओड्रेंट को यूज करो आप अच्छा स्प्रे यूज करो आपका हेयर स्टाइलिंग हो इस पे देखो क्योंकि मैं एज अ कस्टमर इस वक्त काम बात कर रही हूं मैं तो वहां काम नहीं करती तो कुछ चीज़ें मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है राइट right? सो so, मुझे सम टाइम उसने कहा कि उससे काम करा लो तो अब मैं ये तो नहीं कह सकी कि रीजन क्या है कि मुझे उससे काम नहीं कराना तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई और बता दो एंड सेवरल बिहाइंड दैट कि मैंने उसको क्यों मना किया नॉट वन रीजन तो आप ये ये चीज में रखो कि आपके पास जो कस्टमर है कभी अपने आप को उस जगह पे रखकर देखो जो मैंने एम्फिथी की बात की है ठीक है वेर यू यूनिफॉर्म करेक्टली जहां ग्लव्स पहनने की जरूरत पड़े जहां पर आपको मास्क इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू आर पर्सन प्लीज वेयर मास्क आई मस्ट से बेशक ठीक है ओवरऑल इज फाइन बट ये इंपॉर्टेंट है कि यू आर वेरी क्लोज जैसे आपके डेंटिस्ट जो होते हैं डेफिनेलव्स कि उनका बहुत ज्यादा क्लोज रहता है ठीक है तो यही चीज़ आपका भी है लेडीज के अलग इशूज होते हैं जेंट्स के अलग इशू होते हैं बट इट इज़ बेटर टू वेयर मास्क एंड ग्लव्स जहाँ पर जरूरत आपको लगता है कि नाउ नीड इड आपके पास जगह जगह आपके मास्क और ग्लव्स पड़े होने चाहिए ना कि रिपीटेडली वही गंदी चीज पहने जा रहे हैं वही चीज इस्तेमाल हुई जा रही है हमारे यहाँ पे बेकरीज में जाए ग्लव्स तो पहने होते लेकिन उस ग्लव्स के साथ वो बीस जगहों को और छिड़ रहा होते तो मैंने कहा बेटा ग्लव्स पहनने का फायदा क्या हुआ जब तुमने दस जगह और हाथ लगा दिया ग्लव्स पहने है, तो सिर्फ फिर बेकरी का आइटम को उठाओ तुम यहां पे भी हाथ रख रहे हो तुमने वो चीज़ें भी उठा ली तुमने पेन भी उठा लिया तो ग्लव्स का फायदा नहीं हुआ वो तो और से अटैच है उसके साथ तो ये भी नोटिस हो रहा होता है ठीक है हम अपने आप को आप भी जब कहीं जाते हो तो ये चीजें देखते हो ना तो जो आपके पास आ रहा है वो भी यही चीज़ देखता है तो ये चीजें आप छोटी छोटी बातें ये बहुत मैन्यू चीजें हैं जो हम सोचते नहीं है समाइम बल्कि मैं एक और चीज़ आपको एक इसके साथ एडिशन करूं कि आपके जो नेल्स हैं फेस पे क्रीम लगाने लगते तो मैंने एक दफा लड़की का हाथ पकड़ लिया था नहीं मुझे नहीं लगवाना क्योंकि जो मेरे हाथों पर इसके पड़े थे उसके तो अपने नेल्स ने ब्लैक हो रहे थे अब ये देखो कि आप चेहरे पे हाथ लगाने लगे हो तो आपको तो हाथ ऐसा साफ सुथरा होना चाहिए कि अगले को फील ना हो तो मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं रहने दो मुझे नहीं लगवानी थैंक यू मैं लोग कह नहीं सकते ना उसको मैं नहीं कहूंगी कि क्यों मैंने मना किया लेकिन वो आपके ने सबसे ज्यादा जो आप सेलोन्स से में काम करते हैं आपकी ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है इसको सोचने की जरूरत है एनी क्वेश्चन फ्रॉम द बैक साइड फिर हम आगे चलते हैं You need to ask question. अगर आपके जहन में कोई question है you are open to ask. जी मैं ये कहना चाहता हूँ तो 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 एग्जैक्टली अच्छा, exactly. तो ये अचीवमेंट है यस yes. बिल्कुल तो इस चीज को ना ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि देखें एक ऑफिस में लोग जाएं दैट इज जाए वहां पे ये चीजें नोटिस नहीं करते लेकिन जब सैलॉन्स में जाएंगे हॉस्पिटल्स में जाएंगे क्लिनिक में जाएंगे बेकरी में जाएंगे तो लोग बहुत सी चीजों को चेक कर रहे होते हैं ठीक है जो कि वो आगे चेक नहीं कर रहे होते अच्छा जी अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का दैट इज़ अ कम्युनिकेशन मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है दिस इज अ आर्ट इट्स अ स्किल हम इसके ऊपर सेपरेट भी हम सेशन देते हैं एक ओवरऑल डिस्कशन होती है कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट ठीक है इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ क्योंकि बींग एजुकेशनिस्ट काम मेरा बोलने का है बींग अ ट्रेनर काम बोलने का है दस जगह लोगों से इंटरेक्शन होती है ठीक है आप बातचीत करते हैं लेकिन सम टाइम हम बातचीत नहीं भी करते तो बात कंप्लीट हो जाती है बोले बगैर भी आपका मैसेज कन्वे हो रहा होता है चाहे अच्छे सेंस में जाए चाहे बुरे सेंस में जाए बोथ मैटर्स अ लॉट ठीक है तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो क्या कॉम्पेंस होते हैं आपकी नजर में वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन यू वी कम्युनिकेट एनी ठीक है ऑल राइट बिल्कुल चेंज इट विल चेंज यस सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दो तरह की कम्युनिकेशन हम करते हैं अपनी वर्क प्लेस पे और जो नोटिसबल हैं दैट इज वर्बल जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हम बोल रहे होते हैं जिसमें क्या आ जाता है आपकी वर्बल में आपकी टोन क्लैरिटी लैंग्वेज चॉइस किस लैंग्वेज किस लहजे में बात कर रहे हैं इंग्लिश उर्दू पंजाबी में बात कर रहे हैं आप कौन से अल्फाज यूज कर रहे हैं ठीक है आपने किस तरह से अदा है सब चीजें आपके वर्बल में कि लोग आपको देख के पहले सुन रहे हैं ठीक है लेकिन मैं जब ऐसी जगहों पर जाऊं तो नॉन वर्बल ज्यादा वेलकमिंग होती है या ऑपोजिट नहीं होती ठीक है नॉन वर्बल में क्या आ जाता है आपके आई कांटेक्ट आपके फेस के एक्सप्रेशंस आपकी टोन जैसे उन्होंने कहा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कि आपने अगले को किस तरह से वेलकम किया वेलकमिंग क्या हो सकता है कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग स्माइलिंग और नॉन वेलकमिंग क्या है कि आप आप बंदा है और आपने उसको टोटली इग्नोर कर दिया यूर लुकिंग हेयर यू कीप ऑन डूइंग सम वर्क अक्सर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं अब अगला कस्टमर आके ढूंढ रहा है एक्सक्यूज मी अब उसे बंदा ढूंढना पड़ा है कि मैं किससे बात करूं दस लोगों ने देख लिया कि कस्टमर आया है अटेंशन नहीं दी अब वी हैव एक्सपीरियंस देखो वी आर स्पीकिंग विद एक्सपीरियंस हम ये सच चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि कई दफा बंदा ढूंढना पड़ता है बात किससे करनी है एक्सक्यूज मी काउंटर पे गए तो काउंटर पे वो अपने हिसाब किताबें लगी हुई है दस लोगों आप अगर बिजी हो तो आप दो मिनट का टाइम ले सकते हो कि मैं आपसे भी बात करती हूँ जस्ट अकेंड वहीं पर खड़ा हो जाएगा कस्टमर ठीक है सो आपकी जब नॉन वर्बल इज मोर इंपॉर्टेंट दैन योर वर्बल कम्युनिकेशन रिमेंबर दैट आपकी गप्पे नहीं चल रही होती वहां पर आप लोगों से कोई बातें नहीं कर रहे होते लेकिन आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मुसलसल चल रही होती कि आपने किसी को कितनी अटेंशन दी आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी ठीक है आपने उनको इग्नोर किया वेलकम किया बहुत से आई हैव सीन क्योंकि जाहिर सारा दिन काम चलता है थक भी तो जाते हैं आप लोग थक जाते हैं ना लेकिन उसमें क्या होता है ग्रुप बना के बैठ जाते हैं अब वो रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं बातें हो रही गप्पे हो रही अब आप उसके पास आते हो तो वो कहती उनसे बात कर लें वो खड़ी हुई वहां पे बात कर लें या आप वहां चले जाएं अच्छा जी आप बता आप बताने में कितनी देर लगती किसी को इतना नॉन वेलकमिंग बिहेवियर और बाफ़ा इतनी नॉन वेलकमिंग आपका बॉडी लैंग्वेज होती है कि आप खुद एम्बेरस हो जाते हैं कि ये मैं किधर आ गया मैं आई क्यों यहां पर ठीक है so, सो आपकी और एक चीज बताऊं नाइनटी टू परसेंट जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है देन वर्बल कम्युनिकेशन नाइनटी टू परसेंट इट्स योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे उन्होंने कहा कि टोन हर एक ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देती है आप बोल कर देखें और लहजे में बात करके कर देखें मीनिंग हो चेंज होगा टोटी चेंज होगा तो टोन मैटर्स अ लॉट आपके वर्ड्स से ज्यादा अक्सर आप दे देखें चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं लहजा मजे का होता है और किसी को मजाक करते हैं तो वो सख्त भी करेंगे तो अगला इसलिए छोड़ देखा कि टोन अच्छी थी मजाक था फेस एक्सप्रेशन थे हम अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे में बड़ी चीजें सुना जाते हैं तो क्यों लड़ाई नहीं होती और लड़ाई कहां होती जहां टोन बदली और आपने देखा होगा टोन जहां बदलते लड़ाई शुरू हो जाती है किस लहजे में बात कर रहे हो तुम तो? लड़ाई होती है ना ये किस तरह बात करते हो कभी बात करने का अंदाज देखा है तुमने अपना अंदाज नहीं होता दैट इज अ लहजा टोन So, जो आपके पास एक कस्टमर आ रहा है या आप खुद में देखें एक खाली कस्टमर की बात नहीं होती आप कितने लोग हैं ये सब सिक्सटी एक ही जगह पे हैं या डिफरेंट एरिया ठीक है लेकिन एक जगह पे दस पंद्रह लोग तो होते होंगे ना ठीक है ये चीजें आपके अपने वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। कि आपका आपस का रिलेशनशिप कैसा है कंपटीशन है हेल्दी कंपटीशन है जेलिसी है ठीक है एक काम ज्यादा अच्छा करता है उसके पास लोग ज्यादा आ रहे हैं तो अगला क्या हो रहा है जलिस हो रहा है क्यों तो वो क्या करेगा कि उस वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि आप आगे जो बंदा बड़ा बैठा उसको जाके कुछ चीज इसने तो ऐसे बात की थी फॉरगेट इट मुकाबला करना है तो काम से मुकाबला करो ठीक है अगर बेटर आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं लोगों से जब आप इंस्पायर करते हैं लोगों को तो दैट इज मैटर अ लॉट कि एक ने अच्छा काम किया हमारी फील्ड में बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं ठीक है तो हम क्या होते हैं इंस्पायर होते हैं अगर हम जेलिस होना शुरू हो गए तो मैं वहीं पे बैठी रहूंगी जहां मैं हूं क्योंकि जेलिस ही आगे नहीं जाने देती किसी को ओवर थिंकिंग सोच सोच के क्योंकि आपके इसमें इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके अपने मूड खराब हो सकते हैं आपके घर में कोई लड़ाई करके आए हैं आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है बहुत सी चीज़ें जो हमारे साथ बैकग्राउंड में चल रही हैं हर एक के साथ चलती हैं लेकिन आप अपने इमोशंस को अपने वर्क प्लेस पे नहीं ला सकते कि घर से लड़कर आए हो तो आपने कस्टमर से भी लड़ना है उसका गुस्सा आप कस्टमर पे निकाल रहे हो आपका मूड क्योंकि आपका मूड खराब है किसी वजह से तो आप कस्टमर से भी खराब कर रहे हो या आप आपस में भी खराब बात कर रहे हो मूड खराब है ना ये आपको वहां पर मास्क पहनना पड़ता है स्माइल वाला like chapter, uh, तो जी देखिए एग्जैक्टली exactly, देखो दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर में इश्यूज ना हों कोई परेशानी हो सकती है किसी के बच्चे की फीस जमा होनी थी किसी का किराया जाना था किसी की बीवी से लड़ाई होगी किसी की फौतगी हो गई किसी का कुछ हो गया <laughs> हर एक के साथ इश्यूज उसके यकीन जाने साथ साथ चलते हैं बैकग्राउंड में ये चीज़ें आपको कहीं नहीं छोड़ती लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी ये है कि वो फ्रंट जब लोगों को फेस करे तो वो परेशानियां नजर ना आए क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप कमा रहे हैं अपना रिस्क उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए वजह से आप परेशान है ठीक है तो अगर आप परेशान हैं और वो परेशानी आप जाहिर कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इफेक्ट करें आपके सराउंडिंग में लोग हैं जो उनको इफेक्ट करें और उनको इफेक्ट करें जिनके साथ आपका इंटरेक्शन है कीप दैट इन माइंड आर नॉट द ओनली वन जी की छोड़ नहीं चाहिए। पर जो जो पर छोड़ जी अक्सर लोग घर भी ले जाते ना। so staff, ले हैं ना सो आई यूज टू स्टे माई स्टाफ बल्कि आई स्टिल टेल देम के जो वो एक गठरी लेके घूमते हो ना परेशानी की दरवाजे पे रख कर आओ गेट पर अंदर यू मस्ट बी अ डिफरेंट पर्सन जाते हुए साथ ले जाओ स्कूल बाकी चीजों वाली अपने काम की यहां छोड़ दो वो ले जाओ वो आपको अपने वर्क प्लेस पे लाने की जरूरत नहीं है और मैम कुछ लोग है ना वो आते हैं सरों से हम, हमारे पास तो हमें कहते हैं कि जी आज मेरा सर दर्द हो रहा है आज मुझे दर्द है आज मुझे पेन हो रही है किसी जगह पे तो फिर ये दूसरों के लिए भी है कि वो चाहें कि भाई आज आप छुट्टी करें अगर आपको तो पैसों की जरूरत हो मैं देता हूँ तो उस दिन वो रेस्ट करेगा ना ये भी मैंने किसी से सीखा था वो मेरे बोस्त थे जिनसे मैंने सीखा तो मैं आप तक वो पैगाम पहुंचा रहा हूँ तो वो ठीक हो जाता है और बाकी उसी वक्त जो स्पेस तो एक कामयाब जगह की निशानी यह है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें ठीक है देखिये हम भी ऐसे लोगों को डील कर रहे होते हैं हमारे स्टाफ में भी ऐसे होते हैं कि उस दिन वो नहीं फील अच्छा कर रहे होते हैं। सो वट आई डू समाइम आई कॉल इन माई ऑफिस एंड नाई कम्युनिकेट विद दैम एक तरह की काउंसलिंग करती हूँ पूछ लेने में क्या हर जगह क्या बात है काम नहीं सही आ रहा क्या इशू है कुछ ऐसी चीज़ होती है देट दे वॉन्ट टू शेयर सम उसको जैसे यहाँ पर एक आगे है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स ये इसी के ऊपर आ रही थी कि के आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए अगले को सुनने का बर्दाश्त करने का एक्टिव लिस्निंग ठीक है अब एक्टिव लिखने में क्या हो सकता है कि आप आपस में ही परेशान हैं किसी एक है? आपको पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज कि आज ये दोस्त आया आज ठीक नहीं है आज वो खामोश ज्यादा है तो जब आप कभी फ्री होते हैं ना तो गिव टाइम टू तो ईच अदर क्या बात है तबीयत ठीक नहीं है क्या इशू है मुझसे शेयर कर लो पूछ लो yes. और अगर आपको लगता है कि मुझे अपने किसी मैनेजर से बात करनी है जो भी आपके ऊपर वहां पे है टेक सम टाइम गो टू देम एंड डिस्कस द प्रॉब्लम क्यों ताकि वो भी अवेयर हो कि क्या इशू चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका काम उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है तो बेटर के शेयर दैट थिंग विद योर मैनेजर कुलीग हु इज देयर जिसको आप लगता है कि ये ट्रस्ट वर्दी एंड आई कैन शेयर मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो उस वक्त तो शेयर कर देते हैं और अगला भी हमदर्दियां दे रहा जी जैसे उठ के गया पीछे उसको बता दिया दस लोगों को और बता दिया बताना नहीं ये बताया था, यार on, थोड़ा सा तो सीक्रेट रखो थोड़े की इज्जत रखो अगले ने इतना ट्रस्ट करके अगर आपसे अपनी कोई चीज शेयर कर ही दिया है तो उसका थोड़ा सा लिहाज रखो उसकी इज्जत रखो और अपनी इज्जत रखो क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ कोई आपके साथ किसी की कोई चीज शेयर कर रहा है तो याद रखो कि वो भी आगे किसी के साथ शेयर कर रहा है जी। पहली बात शेयर तब करो कि जब आपको ट्रस्ट हो और अगर किसी ने आपको ट्रस्ट दे दिया है तो फिर उसका मान रखो उस चीज को खामोशी बहुत सी ऐसी चीजें कि कि मैं कहूं मेरे अंदर एक बहुत जखीरा जमा हुआ है जो लोगों ने बताया है शेयर करते हैं क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं सम मेरी तबीयत खराब हो जाती है मैं कहा जाऊं <laughs> 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 मैं कैसे शेयर करूं आई वॉन्ट समी ऑल नीड सम गुड पीपल अराउंड है अच्छा जी एक हम एक आधी हाँ एक्टिविटी करेंगे थोड़ा सा मैंने कहा कि हम चीज को कवर कर लें आ, अच्छा बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप अब ये चीज इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क इफ यू डू नॉट है टीम इफ यू डो नॉट है टीम क्या होगा परफॉर्मेंस ही नहीं है एवरीथिंग इज जीरो आपका काम इंडिविजल नहीं है इट्स अ टीम वर्क आपको एक तो जो आपके मैनेजर्स हैं दे मस्ट नो हाउ टू बिल्ड द टीम अगर आप बॉस रहेंगे तो टीम नहीं बनेगी exactly. क्योंकि बॉस कभी टीम नहीं बनाता वो वन मैन आर्मी समझता है मैं ही हूं। मैं ही हर चीज को लेकर चल रहा हूं मेरी वजह से कामयाबियां हो रही हैं, वो सारा क्रेडिट ले रहे होते हैं। जो टीम बिल्डिंग करते हैं वो लीडर्स होते हैं लीड करते हैं कि you, मैं यहां नहीं यहां हूं मैं आप लोगों के साथ हूं हम इकट्ठे चीजों को फेस करेंगे जो प्रॉब्लम्स है मिलकर सॉल्व करेंगे आप बताओ व्हाट डू यू थिंक गिव मी द सजेशन गिव मी कुछ सजेशन वो सबकी सजेशन लेता है और फिर उसमें से जो बेस्ट होती है उनको सबके सामने रखता है कि हमारे पास ये सजेशन थी ये बेस्ट है इस पर हम मिल के काम करेंगे सो so, उसके अंदर मैं नहीं होती हम होता है टीम में हम होता है रिमेंबर दैट अगर आप मैं करके बात करते हैं कि मैं ये कर रहा हूं अक्सर हम हम यूज करते हैं कि हम ये करते हैं ठीक है हमने ये काम करना है आप जब हम ले आएंगे ना तो हम के अंदर यूनिटी है ऑटोमेटिकली यूनिटी है कलेब्रेशन है ठीक है उसके अंदर एक प्यार है हम वरना जब जहां मैं जिनके अंदर मैं होती है ना वो मैं सिर्फ वक्त कामयाबी होती है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती मैं चलती नहीं ज्यादा ठीक है सो इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग क्या है हाउ कलेबरेशन इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस आपकी आपस की कोऑर्डिनेशन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की सेटिसफेक्शन को बढ़ाता है ठीक है क्योंकि आप ऑन करें हर चीज को एक बंदे से काम नहीं हो रहा आप उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं कि जल्दी काम हो जाए मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ वो कहे जी ये तो सिर्फ एक ही बंदा हेयर ड्राई कर रहा है कटिंग कर रहा है उसका सब चीजें कर रहा है थक गया है उससे नहीं हो रहा और अगला बैठा बैठा बैठे करने दो हम ट्रेड्स की बात कर रहे थे शुरू में ठीक है हर इंसान की एक अपना ट्रेड होता है उसका एक स्टाइल होता है तो मैं आपसे दो चीजें ऐसी पूछूंगी जो आप समझे मैं कहूंगी कि आई एम वेरी एम्बिशियस और मेरा एम्बिशन क्या है क्या करना चाहती हूँ लाइफ में सीधे करो जो हाँ नीचे कर दो अब आप उधर देख के आप बताओ कि दो ऐसी चीजें जो आपको जाहिर करती हैं और आपके देखते हैं कि दोस्तों को ये बात पता है कि नहीं आप दो वर्ड ऐसे लोगे और आपके दोस्त बताएंगे कि ये सच कह रहा है जैसे अगर मैं कहती हूं आई एम तो कहेगा लाइफ नॉट ठीक है सो अगर हैं तो आप बताओ दो चीज आपको जानते हैं इनमें से लोग कितने लोग जानते हैं सिर्फ वो जानते हैं चलो आज सारे जान जाएंगे अपना नाम बताओ कोई बात नहीं अपना नाम बताओ आज सारे जान जाएंगे योर नेम शावेज और कितना अर्सा हो गया आपको एक्सपीरियंस इस फील्ड में फोर वीक <laughs> अच्छा आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड क्या है आप खुद क्या हो टाइम मैनेजमेंट सही कह रहे हैं टाइम मैनेज करता है अच्छा जो इसको जानते हैं क्या नाम ज्यादा बेटर शाह वेस शावेज प्लीज स्टैंड अप खड़े हो जो कौन जानते हैं सही कह रहे कि नहीं टाइम पे आता है टाइम मैनेज करता है बाकी उनको सेकेंड थिंग बताओ फोकस उनको पता होना चाहिए थीके? हमारी ज्यादा हम हमारे सराउंडिंग में लोग जानते हैं अपने को पहचानना अपने आप को डिस्कवर करना ठीक है <laughs> कोई ऐसी चीज जो आपको पता है कि बेस्ट करते हैं और किसी को नहीं पता इन दो चीजों के अलावा क्या

काम को देख के सीख के बेसिकली क्यों मैं ये बात पूछ रही हूं कि हर इंसान का एक अपना फोकस्ड होता है अपने ड्रीम्स होते हैं अगर आप खोलना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको अपना आप देना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट टू लर्न आपको अपने काम की डेप्थ में जाके इस चीजों को सीखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर उप ऊपर से चीजें हमें बड़ी अच्छी नजर आती हैं ठीक है ठीके? और हमें लगता है कि वी मैं तो ये बड़ा आसान काम है आई कैन डू इट नो इट इज नॉट अच्छा इनका आपका मूड खराब है

वेलकमिंग थी। आपकी बॉडी लैंग्वेज आवाज में ना बड़ा एक होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहती आए इनका मूड खराब है तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा पीछे हो जाओगे या उनको वेलकम करोगे या कैसे डील करोगे जैसे इनका मूड खराब है वो आपसे थोड़ा सा रूडली बात करें जो अक्सर लोग होते हैं ठीक है

आप लोगों को खूबसूरत बनाते हैं लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते हैं करते हैं कि नहीं जब वो बाहर जाता है तो खूबसूरत बंदा लग रहा होता है लेकिन उससे पहले आपने अपने आप को खूबसूरत बनाना है अपनी पर्सनैलिटी को खूबसूरत कराना है अपने माइंड को चेंज करना है एक एम्बिशन आपने अपनी लाइफ में लेकर आना है कि आपकी लाइफ में आप एक्चुअली हर एक का गोल है है कि नहीं छोटा बड़ा प्रोफेशनल गोल और पर्सनल गोल्स कभी इनको लिखा करें मेरे पास अभी स्टिकी नोट नहीं काम करें प्रोफेशनली आपने आगे कैसे ग्रो करना है और एक पर्सनल ग्रोथ होती है कि मैंने अपने आप के ऊपर कैसे काम करना है मेरे अंदर क्या खामियां हर एक के अंदर होती है ठीक है हर एक के अंदर वीक पॉइंट्स है हर एक के अंदर स्ट्रेंथ होती है स्ट्रॉन्ग एरियाज होती हैं क्या हम उनसे अवेयर हैं कि हमें वीक एरियाज पता है अपने और क्या हमारी स्ट्रेंथ क्या है वो पता है नहीं पता होगी मैं भी पूछूंगी ना सोचेंगे क्योंकि वी डोंट नो अवर स्ट्रेंथ हर एक के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है हर, हर एक के अंदर एक्सपर्टीज होती है जो आपकी एक्सपर्टीज है ना उसके ऊपर काम करना शुरू करें लेकिन अगर आपके रस्ते में कोई ऐसी चीज आती है कि आपको वो चैलेंजिंग लगता है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें ना कि आप भाग जाए कि नहीं ये काम मुझे नहीं आता मैं नहीं कर सकता हर इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है लेकिन एट अ टाइम अगर आप बिगनर्स हैं और आपने अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की है और आपके जी मुझे दे दो दे दो मैं सारा काम कर लूं तो वो बाकी काम जो आपको आता है वो भी रह जाएगा तो छोटे छोटे गोल्स को अपना छोटे छोटे अपने स्टेप्स और गोल्स बनाना शुरू करें अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें आप अपने आप को ग्रूम करेंगे तो लोगों को ग्रूम करना आसान हो जाएगा ठीक है आप खुद ही साफ सुथरे नहीं अगर आप खुद ग्रूम नहीं तो फिर अगले को क्या ग्रूम करेंगे ठीक है लोग तो आपको देख रहे हैं आप अपनी लाइफ में ये ना समझें कि मेरी लाइफ वो क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं हम उनसे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं हम उनको देकर डिप्रेस होते रहते हैं हमें एंगजाइटी शुरू हो जाती है भाई आप उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ोगे आप उनकी लाइफ बायोग्राफी पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कोई ड्राइवर था कोई कुछ था कोई कुछ था कोई भी अपनी कामयाबी की सीढ़ी पहली दफ़ा में जंप मार के नहीं चला गया तो आपने अपने पर्सनल गोल्स और अपने प्रोफेशनल गोल को सेट करना है अगर फॉर अ टाइम बींग आप कहते हैं कि जी अभी मैं इस प्रोफेशन में आ जाऊं मेरे गोल्स कुछ हो रहे हैं लेकिन जो भी कर रहे हो दिल से करो ठीक है उसको ऑन करो उस जगह को ऑन करो जहां हो क्यों उसे रिस्क मिल रहा है आपको रिस्क तो मिल रहा है ना अगला आपको पेमेंट तो कर रहा है और पे इसलिए कर रहा है कि वापस ट्रस्ट कर रहे हैं इसलिए वो आपको पे कर रहा है और रिस्क अल्लाह की देने वाली है अगर अब फिलहाल अगर अल्लाह ने रिस्क आपका यहाँ लिखा है तो आपको मिलेगा जितना मिलेगा इस चीज पे बिलीव करो कि रिस्क आपको उस जगह पे खुद पहुंचाता है जहां आपने जाना है रास्ता आपने खुद तलाश करना है ठीक है अपना रास्ता तलाश करें और जो काम आप करें बड़ा खूबसूरत करें अब आपकी अच्छी एग्जांपल्स क्या हैं जो आपकी कस्टमर सर्विस की होती है या आप एज अ पर्सन डील कर रहे होते हैं उसके अंदर क्या है कि केयरफुली टू अ कस्टमर कंप्लेंट टेकिंग द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप टू फिक्स द इश्यू वेदर इज हेल्पिंग दैन योर सेल्फ और पासिंग द कंप्लेन टू अनेजर आपकी एक जो अच्छी सर्विस ये होती है कि आप अगर कोई कंप्लेन लेकर आ रहा है आप उसको कैसे डील करें आप उसको खुद डील करना चाहते हैं या आप आगे पास करना चाहते हैं जैसे अभी ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे जो एक छोटी सी एक्टिविटी कराई थी उसमें बेसिकली आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी है एक बंदा रूड आ रहा है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं पहले तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है कि मैंने इसको रिप्लाई कैसे करना है अगर वो आपसे रूड हो रहा है और आप उससे ज्यादा रूड हो रहे हैं तो आप वो वापस चला जाएगा सबसे पहले यू नीड टू लर्न टू हाउ टू डील योर कस्टमर ठीक है आपने वेलकमिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत ज्यादा वेलकमिंग होनी चाहिए आपको पता है बाहर के मुल्कों में जब आप जाते हैं वो पहले दो तीन चीजें आपसे लाजिम पूछेंगे कोई और कुछ भी काम शुरू करने से पहले हाय हेलो करेंगे एंड <switches> हाउसिकेट सा करते हैं उनका स्टाइल ऐसे होता है कि कहने वाले शर्मिंदा हो जाते अच्छे तरीके से डील कर लिया तो आपने क्या वो क्या करते हैं आपको नॉर्मल कर देते हैं हम बहुत सी चीजों में रिटर्न करने गई तो चीज खराब आ गई थी दे दीट इड भी

एक्सप्रेशन आपकी नॉन वर्बल वर्बल लैंग्वेज आप द वे यू कम्युनिकेट विद आप यकीन करें आप अपने गेन करेंगे कस्टमर ऐसे वरना पलट के वो वापस नहीं आते मेकिंग मैम फील वेलकम विद नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज इस पॉइंट को फिर से देख लीजिए लुकिंग द कस्टमर इन द आइज आई कॉन्टेक्ट मैंने कि हम हम एंटर हुए तो लोग ना एक गुजर गुजर गए, गए, से अब खड़े हैं जी, किधर? वेलकम किया जरूरी नहीं होता वेलकम फ्लावर और ही होता वेलकम सर आइए जी हाउ अ स्माइल एंड मेकिंग नॉन वर्बल आप खड़े हुए और आपने उनको खड़े होकर अभी आप बोले नहीं बट आप बड़े वेलकमिंग हो गए ठीक है एग्जाम्पल्स ऑफ बैड कस्टमर सर्विस ये बैड कंसिडर होती है आपका जो कस्टमर है आपको इन चीजों पर बेसिकली जज कर रहा होता है इग्नोरिंग अ कस्टमर हुई बिकॉज यू आर टेकिंग टॉकिंग टू आर वर्क खोलीग और प्लेइंग विद योर फोन आप बैठे हुए आप क्योंकि अभी फ्री हुए थे अब आप बैठ गए अब अगला बंदा आया आपने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई मैं तो अभी कटिंग करके फार हुआ तो मेरा काम नहीं है उसको डील करना बैड सर्विस वेरी बैड सर्विस ठीक है यह आप अपने दोस्तों में मगन है ग्रुप बना रहे बातें कर रहे हैं आपने अगले को देखा और आप बिजी हो गए चाहिए तो ये था कि सारे स्कैट हो जाते और फॉरन सभी वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते गाइड कर दो फिर टू तो भी कंटिन्यू कर लो जो वट एवर यू वर टॉकिंग एटलीस्ट उसको वेलकम तो कर दो गाइड तो कर दो ये चीजें आई हैव सीन मैनी पीपल है टर्ड सैड और एंग्री एज यू फील वन इन पब्लिक व्यू ऑफ एनी कस्टमर पहले से बोर हुए बैठे हुए हैं आवाजार शक्लें बना के बैठे हुए हैं सैडनेस है बोरियत है थकन है बाल उड़े हुए हैं आ जाओ बैठ जाए क्या करना है बाल करते हैं कैसे <laughs> देख रहा है। मैंने क्या जवाब देना है भाई इसको कैसे कहूँ अच्छा वो भी डर गए हाँ बस कर दो कुछ भी अब क्योंकि उसका मूड देख रहे बाज ऐसे डर जाते हैं कि वो अपनी बात ही नहीं एक्सप्लेन कर पाते क्योंकि आपका मूड खराब है सो तो आपको ऐसा नहीं देखना किसी टाइम पे भी आपको ऐसा नहीं देखना नॉट टेकिंग देर कस्टमर कंप्लेन सीरियसली एक बंदे ने आपको कंप्लेन किया है और आपने सीरियस लिया ही नहीं उसको अच्छा अच्छा चलें ठीक है कोई बात नहीं हो गया हमारा कसूर नहीं था आप ही ने हमें टाइम ही दिया था आपके बाल तो ऐसे थे आप ही जल्दी में थे आर्ग्यू कर रहे हैं। डोंट आर्ग्यू मेकिंग देम फील लाइक दे आर जस्ट अ नंबर ऑन द लिस्ट क्योंकि सारा दिन लोग आ रहे हैं तो ये अदर कस्टमर सुबह से बहुत लोग आ चुके हैं सो so, ये हमारे ओवरऑल चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत है ठीक है आपको जो ट्रेनिंग सेशंस, आप ऐसे एक किस वक्त आई वुड सजेस्ट कि इनको कुछ सीनैरियोज दिया करें इनकी प्रैक्टिस जैसे एक होता है ना एक्टिंग कराई जाती है तो उससे पहले रिहर्सल होती हैं यू मस्ट हैव सच सेशन विद इन योर जो आपका एरिया वहाँ पर कि आ जाओ जी हाउ कैसे लैंग्वेज इनको कुछ ऐसे वर्ड सिखाएं ऐसे सेंटेंस सिखाएं जो दे कैन कम्युनिकेट वेल जो इनको हेजिटेशन है कम्युनिकेट करने की कि अगर कोई बहुत ही हाई फाइव क्लास का बंदा आ गया तो वो कहेंगे कि तुम डील कर लो ठीक है कुछ ऐसी कम्युनिकेशन इनकी लैंग्वेज के ऊपर काम होना चाहिए इनके वर्ड्स इनकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम होना चाहिए ताकि ये जब कस्टमर को फी करें तो उसे लिखा कि हम एक अच्छी पढ़ी जगह लिखी जगह पर आए यानी कि एक अच्छे जो एम्बियंस बड़ा फर्क होता है आपकी जगह का सो so, वहां पे लोग हाई फाई लोग हमेशा ऐसी जगह पर जाना जहाँ का एम्बियंस बड़ा वेलकमिंग कंफर्टेबल हो आपकी बंदों से पहले ना उसकी वाइब्स होती हैं उस एरिए की उस जगह की वाइब्स होती हैं पे आप एंटे हो होते आपके तो वाओ वो पॉजिटिव वाइब्स आपको ना आना शुरू हो जाती हैं आप एकदम से यू फील गुड और बज दफा आप दरवाजा खोलते हैं और यकीन जाने एक स्टेप बैक होता है आपको एनवायरनमेंट नहीं अच्छा लगा आप ऐसे अगले को स्टेयर कर रहे हैं आपने ऊपर से नीचे तक उसको स्टेयर किया है इस स्टेयरिंग इज वेरी बैड थिंग डोंट स्टेयर एनी कि अगले को ये ना लगे कि पता नहीं मैं क्या पहनकर आ गई हूँ या मे बी मैं बहुत ही बुरा लग रहा हूं डोंट डो गेव सच लुक्स आपके पास चाहे हाई लेवल कार है चाहे लो लेवल हु एवर इज कमिंग वो आपका कस्टमर है आप किसी की गाड़ी देके किसी के पर सैलरी दे के उसको ट्रीट नहीं करते हैं। रिमेंबर दैट आपके लिए वो एक ऑनरेबल गेस्ट है क्लाइंट है कस्टमर है रिस्पेक्ट लेवल लेवल का वही रहना चाहिए जो एक आप हाई फाई बंदे को दे रहा है, जो है, टिप 500 पे दे के चला है। और एक वो शख्स आ रहा है जिसके पास पैसे सिर्फ कटिंग के थे तो आएगा तो आप कहेंगे तो गलत बात है रिस्पेक्ट लेवल हर एक के लिए एक जैसा होना चाहिए ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड थिंग्स कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाई आर है आज हमने ये पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट बेसिकली इट इज़ फॉर यूर पर्सनल ग्रोथ जो आप अपने लिए कर रहे हैं ताकि आप प्रोफेशन में आगे जाएँ जो आप यहाँ पर स्किल सीखते हैं बाद यही है ना कि बज लोगों ने अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया बट बिफोर दैट पहले 100% परसेंट एक्सपर्ट हो जो अपने फैसिलिट अपने उन स्किल्स के ऊपर कि कल को जो अपना सलोन खोलेगा कि हाँ ये बंदा मेरा जो फेवरेट होगा वो सलोन खोलेगा मैं चली जाऊँगी क्योंकि मेरा बेसिकली तालु उसी बंदे के साथ था तो जहां दस लोग हैं वो दस के दस एक्सपर्ट होने चाहिए ना कि दो एक्सपर्ट हो जैसे सर ने कहा के, के अंदर एक ऐसी मार्केट में मैंने पहले शुरू में कहा कंपटीशन बहुत है दुनिया खोल के बैठी हुई है बाजा वो सलोन वाले अपने पर्सनल काम भी कर रहे होते हैं क्योंकि हम बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो वो कहते हैं वाई नॉट हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं लेकिन आप सब लोग हर चीज़ में मास्टर तो हर एक चीज़ में नहीं हो सकते लेकिन एक स्किल ऐसे हो कि जिसमें वो सिर्फ आपका नाम लें जी वो बेस्ट है तो वो एक्सपर्टीज हम सब के अंदर होनी चाहिए ठीक है दस में से दो चीज़ों को आज जरूर लेकर जाना जो आपको लगा हो कि आई हैव टू इम्प्लीमेंट सच थिंग्स और इन चीज़ों को जो ये आपके लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं ये उनकी ग्रोथ तो है उससे ज़्यादा आप लोगों की ग्रोथ है कि दे वॉन्ट टू ट्रेन यू पीपल अगर आप इस एन्वायरमेंट में एक अच्छे एन्वायरमेंट में काम करें तो कोई जगह छोड़ के नहीं जाना चाहता एक चीज याद रखिएगा आप उन लोगों को क्या दे रहे हैं और वो आपको क्या दे रहे हैं ये टू वे है ये वन साइडेड नहीं है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते रहें कि वो आपको बहुत अच्छा करके दें बट रिटर्न में कुछ ना हो सो so, आपका एन्वायरमेंट इतना होना चाहिए आपकी तरफ से वेलकमिंग इनके लिए होना चाहिए जो ट्रेनिंग सेशंस हैं इनकी क्या रिक्वायरमेंट इनके इमोशंस क्या हैं यू नीड टू नो कि आपका हर एक क्या इश्यूज तो हैं हाउ टू डील विद दैम ठीक है थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया